हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द एवेंजर्स मूवी को। मूवी की कहानी 2011 में आई थॉर मूवी के बाद की है। थॉर में हमने देखा था कि लोकी बायफ्रॉस्ट टूटने के बाद नीचे गिर जाता है, जिसके बाद सभी को लगता है कि लोकी मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं था। वहाँ से गिरने के बाद लोकी थैनोस नाम के एलियन से मिलता है। थैनोस लोकी को कहता है, अगर तुम मुझे टेसरेक्ट ला के दोगे जो अभी धरती पर है, तो मैं तुम्हें अपनी चित्तौड़ी आर्मी दूंगा, जिसकी मदद से तुम धरती पर राज कर सकते हो। इस काम को पूरा करने के लिए लोकी को एक जादुई छड़ी सेप्टर दी जाती है। टेसरेक्ट क्यूब, जो कि कभी ना खत्म होने वाले पावर का सोर्स है, वो अभी धरती पर सिल नाम के खुफिया एजेंसी के पास है। इस एजेंसी के डायरेक्टर है निक फ्यूरी। जब निक फ्यूरी डॉक्टर सेल्वी नाम के साइंटिस्ट को टेसरेक्ट क्यूब के ऊपर रिसर्च करने के लिए बुलाते हैं, तब लोकी अपने पावर से डॉक्टर सेल्वी के दिमाग को अपने काबू में कर लेता है, और वो डॉक्टर सेल्विक से एक ऐसा पोर्टल बनवाता है जिसके मदद से दूसरे ग्रह के लोग आसानी से धरती पर आ सके। काम पूरा होने के बाद टेसरेक्ट क्यूब से अजीब सा रेडिएशन निकलने लगता है। इसके बारे में जब निक फ्यूरी को पता चलता है, तो वो इस मामले की जांच करने के लिए आते हैं। तभी अचानक टेसरेक्ट क्यूब से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से बाहर आता है लोकी। डॉक्टर सेल्विक पोर्टल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये तो बस छोटा सा नमूना था। लोकी को तो बहुत बड़े पोर्टल की जरूरत थी, जिसकी मदद से वो चित्तौड़ी आर्मी को धरती पर ला सके। निक फ्यूरी यहां लोकी को रोकने की कोशिश करते हैं, पर लोकी क्लिंट बार्टन को और डॉक्टर सेल्विक को स्पेक्टर से अपना गुलाम बना लेता है, जिसके बाद वो इनके साथ टेसरेट क्यूब लेके यहाँ से भाग जाता है। लोकी की पावर देख के निक फ्यूरी समझ गए थे कि वो लोकी को नहीं हरा सकते, इसीलिए वो एक सुपर हीरो की टीम बनाना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम उन्होंने एवेंजर्स इनिशिएटिव रखा था। इस टीम का सबसे पहला मेंबर था टोनी स्टार्क, यानी कि आयरन मैन, जिसे एजेंट कोल्सन जाके मनाता है। दूसरा मेंबर था ब्रूस बैनर, यानी हल्क, जो कि 2 साल से कोलकाता में छुप के रह रहा था। नताशा रोमानोफ उसे ढूंढ कर लाती है। तीसरा मेंबर था स्टीव रॉजर्स, यानी कि कैप्टन अमेरिका, जिसे निक फ्यूरी खुद जाके मिलते हैं। इन सब से ये कहा गया था कि उन्हें टेसरेट क्यूब ढूंढने में उनकी मदद करनी है, पर निक फ्यूरी ने उन्हें जंग के लिए यहाँ लाया था। दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक एक नया पोर्टल बनाने के लिए मशीन बनाना शुरू कर देते हैं। उस मशीन को पूरा करने के लिए इलिडियम नाम के एलिमेंट की जरूरत थी, और ये खास एलिमेंट जर्मनी में मौजूद था। एजेंट क्लिंट बार्टन, जो कि अब लोकी के काबू में है, वो इलिडियम चुराने के लिए जर्मनी जाता है, और कोई उसे रोक ना पाए, इसीलिए लोकी सबका ध्यान भटकाने के लिए थोड़ा सा तमाशा करता है। तभी वहाँ कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन आके लोकी को पकड़ लेते हैं। वो लोग जब लोकी को एक प्लेन में बैठा के शील्ड के पास ले जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर आता है लोकी का भाई थॉर। इससे पहले हमने थॉर मूवी में देखा था कि थॉर ने बायफ्रॉस्ट ब्रिज तोड़ दिया था, इसीलिए ओडिन ने थॉर को यहाँ भेजने के लिए डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया। थॉर यहाँ पहुंचकर लोकी को उनकी पकड़ से छुड़ा लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता। थॉर के पीछे आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका भी आते हैं। वो लोकी को शील्ड के पास ले जाना चाहते हैं, पर थॉर लोकी को अपने साथ एसगार्ड लेके जाना चाहता है, इसीलिए यहाँ पे इनकी लड़ाई हो जाती है। पर आखिरी में थॉर मान जाता है और वो लोकी को लेके शील्ड के हेली कैरियर पे चले जाते हैं। वहाँ पर टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर, ये दोनों साइंटिस्ट, टेसरेट क्यूब की तलाश शुरू कर देते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि शील्ड के लोग टेसरेट क्यूब की मदद से खतरनाक हथियार बना रहे हैं। इस बात से सभी हीरो बहुत नाराज होते हैं। शील्ड की इस हथियार वाली बात जानकर सभी हीरोज आपस में बहस करने लगते हैं। ये देखकर लोकी बहुत ही खुश होता है, और वो इनके पकड़ में जानबूझकर आया था, क्योंकि वो एवेंजर्स की टीम को तोड़ना चाहता था, ताकि जब उसकी फौज यहाँ आए उसे रोकने के लिए कोई ना हो। इधर लोकी को ढूंढते हुए क्लिंट बार्टन और कई सारे सोल्जर्स शील्ड के हेली कैरियर तक पहुँच जाते हैं, और वो हेली कैरियर पर हमला करते हैं। इससे हेली कैरियर का एक इंजन बंद हो जाता है। इस हादसे की वजह से ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो थॉर हल्क को संभालता है, वहीं दूसरी ओर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका हेली कैरियर के उस इंजन को ठीक करने में लगे होते हैं। लड़ाई के दौरान हल्क हेली कैरियर से नीचे गिर जाता है, और लोकी एजेंट कोल्सन को मार के थॉर को भी नीचे गिरा देता है, और लोकी वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ नताशा क्लिंट बार्टन से लड़ाई करती है और उसे बेहोश करके लोकी के काबू से बाहर कर देती है। फिर कोल्सन की कुर्बानी की वजह से सभी हीरोज एक हो जाते हैं, और वो फिर से लोकी से मुकाबला करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर सेल्विक को मशीन चलाने के लिए बहुत सारे एनर्जी की जरूरत थी, और इतनी सारी एनर्जी सिर्फ टोनी स्टार के बिल्डिंग, यानी कि स्टार्क टावर में मौजूद थी, इसीलिए वो मशीन को स्टार्क टावर पर लगा देते हैं। फिर आयरन मैन वहां आकर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, पर वो बंद नहीं कर पाता। फिर टोनी टावर के अंदर जाता है और लोकी को अपनी बातों में फंसाता है, ताकि उसका नया सूट तैयार हो जाए। पर लोकी बात करते करते टोनी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, पर टोनी अपने नए सूट की मदद से बच जाता है। पर तब तक बहुत देर हो गई थी, क्योंकि टेसरेट क्यूब आसमान में बहुत बड़ा पोर्टल ओपन कर देता है, जिसमें से बाहर निकलती है चित्तौड़ी आर्मी, जो कि पूरे शहर को तबाह करना शुरू कर देती है। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई और आयरन मैन उससे निपटना शुरू करते हैं, पर वो सेना बहुत बड़ी थी, जो कि लोकी के इशारों पे काम कर रही थी। कुछ समय के बाद थॉर भी वहां पहुंचता है, और वो भी लड़ाई में उनका साथ देने लगता है। फिर जब ब्रूस बैनर वहां आकर हल्क बनता है, तो एवेंजर्स की टीम कंप्लीट हो जाती है।
ये सिक्स हीरो शहर को बचाते हैं और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी होते हैं। पर वो फौज लगातार बढ़ती जा रही थी और एवेंजर्स उनके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं। इसीलिए वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल के लोग न्यूयॉर्क शहर पर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करते हैं ताकि वो एलियन आर्मी खत्म हो जाए, पर उससे पूरा शहर भी खत्म हो जाता है। इसीलिए आयरन मैन उस बम को पकड़ के उस पोर्टल के अंदर ले जाता है जिससे पूरी चित्तौड़ी आर्मी मारी जाती है और शहर बच जाता है। जिसके बाद डॉक्टर सेल्विक, जिनके दिमाग पर से लोकी का कंट्रोल खत्म हो गया था, वो ब्लैक विडो को बताते हैं कि लोकी के सेप्टर से उस पोर्टल को बंद किया जा सकता है। फिर ब्लैक विडो सेप्टर की मदद से पोर्टल को बंद करती है, पर आयरन मैन अभी भी उस पोर्टल के अंदर था और उसके सूट का पावर भी खत्म हो गया था। पोर्टल बंद होने से पहले आयरन मैन उससे बाहर निकल जाता है और वो आसमान से जमीन पर गिरने लगता है। तभी हल्क उसे पकड़ के गिरने से बचा लेता है और सभी हीरोज मिलकर लोकी को गिरफ्तार कर लेते हैं। थॉर लोकी को लेकर एस्गार्ड के लिए निकल जाता है और वो अपने साथ टेसरेट क्यूब भी ले जाता है ताकि धरती के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। लास्ट में सभी हीरोज अपनी अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। दुनिया अब एवेंजर्स की दीवानी हो गई थी, पर कुछ लोग उनके खिलाफ भी थे। मगर निक फ्यूरी अपने इस टीम से बहुत खुश थे और उन्हें यकीन था कि जरूरत पड़ने पर एवेंजर्स जरूर वापस आएंगे। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में नजर आता है थैनोस, जो कि लोकी के हारने की वजह से टेसरेट क्यूब हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन थैनोस अभी भी खुश था क्योंकि उसके पास दूसरा प्लान तैयार था। सो फ्रेंड्स, ये थी द एवेंजर्स मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।